देखो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं ना, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। मेरा घर समस्तीपुर है और समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर जो मेरे घर से जो दूरी है वह है 53 किलोमीटर, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है। देखो आज एक OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है, मैंने उसे देख के खत्म किया। मूवी का नाम है भक्षक। इसके लीड रोल जो है वह है भूमि, और भाई भूमि ने क्या ही एक्टिंग किया है। देखो सबसे पहले मैं इस स्टोरी को बताता हूँ, स्टोरी बहुत ही रियल है क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ कि जब यह केस हुआ था। देखो मुजफ्फरपुर में एक जगह था जहाँ जो है बहुत कम उम्र की लड़कियाँ जो है उनके साथ यौन शोषण हो रहा था, उनका रेप हो रहा था और अलग तरह से बहुत कुछ हो रहा था। इस मूवी में दिखाया गया है लेकिन बहुत कुछ नहीं दिखाया गया है। और इस मूवी में ना ऐसा नहीं है कि कोई लोकल लोग थे, बहुत ही पावरफुल लोग, नेता लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और यह जो है ना मूवी क्या कहें कि बच्चियां जो होती है, जो ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे को अगर शादी से पहले कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह बच्चे को अगर जन्म देती है तो फिर एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसे अभी भी बहुत ज़्यादा हमारे समाज में लोग रहते हैं। देखो और यह जो बाल सुधार गृह है यह क्या करता है, उन बच्चियों को गोद ले देता है, कहता है कि आप बच्चे को फेंके नहीं, आप हमें दे दें। और देखो ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, देखो अपने बच्चे को ना हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, वो दुनिया में क्या हो रहा है ना उनको यह भी बताया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान देना चाहिए, किताबी ज्ञान बहुत ही सीमित होती है, लेकिन उनको रियल दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं उन्हें बताना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखो इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो कि उन्हें बाल गृह में लाया जाता है सुधारने के लिए, लेकिन भाई साहब हमारे जो अभिजीत भैया है ना, जो CID वाले, उन्होंने इस पूरी फिल्म में जो एक्टिंग किया है ना भाई, बंदे ने पूरा जान डाल दिया है। और लेकिन सबसे ज़्यादा बात है भूमि की, बात करें तो भूमि जो पत्रकार है, देखो पटना में ना बहुत ही वहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, यह रियल कहानी है और किसी अननोन सोर्स के द्वारा पता चल जाता है भूमि को कि यह सब चीज़ हो रहा है। उसके बाद जो भूमि जो इस न्यूज़ के पीछे पड़ती है और क्या क्या परेशानियां होती है यह इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। और इस फिल्म में सबसे बहुत अच्छी बात लगी ना कि बिहार में ना लोकल जो लैंग्वेज है ना वह इस फिल्म में दिखाया गया है। और नेटफ्लिक्स पर तो भाई मैं उनको सैल्यूट करता हूँ जो रेड चिल्ली के साथ इन्होंने फिल्म बनाया है, नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज किया गया है, क्योंकि बिहार का जो लोकल लैंग्वेज होता है, जो देहाती लैंग्वेज कुछ हम लोग जब बोलते हैं ना, तो बिहार पहले ही आपको पता चल जाता है कि यह बिहार से है। भाई हर डायलॉग डिलीवरी, हर चीज़ जो सीन है बहुत ही अच्छा है। रेड चिल्ली को जाना जाता है कि VFX के कारण, लेकिन कोई किसी और ने एडिट किया क्योंकि उतना ज़्यादा इस मूवी में ना VFX नहीं यूज किया गया है। मूवी की कहानी बहुत ही एक गंभीर मुद्दा पे उठाती है क्योंकि यह रियल स्टोरी है। मैं बिहार से हूँ तो मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ मुजफ्फरपुर में हो रहा था। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सिस्टम है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे, नेता से लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर केस स्टडी करोगे तो वह पता चलेगा। लेकिन उस समय बिहार में क्या होता था ना कि आपको अगर जिंदा रहना है तो आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। ऐसा बिहार में होता था कि कहते हैं ना एक कहावत में कि भैया आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। लेकिन अब बिहार बदल चुका है, ये नहीं, अब बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन समाज में ना हर तरह के लोग होते हैं, इस मूवी को देखने का ये उम्र नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि यह मूवी जो है हर वर्ग के लोग देखें, चाहे आपके घर में बच्चे हों या जो भी। हालांकि एब्यूजिंग कंटेंट है इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं डाला गया है। लेकिन एक और शिकायत है कि अगर डायरेक्टर साहब जो है अगर इसको वेब सीरीज में बनाते ना, तो भाई इस मूवी को ना बवाल हो जाता है पूरी वेब सीरीज। मूवी जो है टोटल 2 घंटा 14 मिनट की है लेकिन पूरी तरह से छा गई है। जब आप इस मूवी को देखेंगे हर एक पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे समाज में इतने भक्षक लोग रहते हैं। भाई सभी लोगों ने एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त किया। इस फिल्म को ना जो रेटिंग है ना वो एकदम नेटफ्लिक्स पे छा जाएगा। इसका जो आउट ऑफ मैं रेटिंग देना चाहूँगा 5 में से 4.5 स्टार। भाई सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आप एक बार मूवी देखो, हालांकि इसमें हर तरह के कंटेंट है लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी जरूर देखें, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे जहाँ रहते हैं जिस समाज में आखिर क्या है, ऐसे भी लोग रहते हैं। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, आपको जरूर विजिट करना चाहिए। वीकेंड है चाहे जब भी देखिए, 2 घंटा 14 मिनट की मूवी है। तो मिलते हैं किसी एक और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।